इवांजेलिन पॉल दिनाकरन के संदेशों से लाखों लोगों ने अपने जीवन में अनुग्रह व समाधान प्राप्त किया है। आइए अब उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को सुनते हैं। Today I am going to meditate upon the word that is in 2 Corinthians 5:14. आज हम उस वचन पर मनन करेंगे जो दूसरा कुरिन्थी 5:14 में पाया जाता है। There the Bible says Christ's love compels us. वहाँ बाइबल कहती है परमेश्वर का जो प्रेम है वह हमें विवश करता है। This worldly love cannot help you. यह जो सांसारिक प्रेम है वह आपको संतुष्ट नहीं करेगा। But then if you choose God as your Valentine, He can guide you and give you success. लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने वैलेंटाइन के रूप में चुने तो वह जो है आपको सफलता दे सकता है। God is slow to anger and He is abounding in love. परमेश्वर जो है वो क्रोध करने में धीमा और प्रेम में अत्यंत ज्यादा है। He is going to come upon you with His abundance. वह अपने भरपूरी के साथ आपके पास आने वाला है। His love will compel you today. आज उसका प्रेम आपको विवश करेगा। To do things which you could not do. आप वो चीज करने पाएंगे जो आप पहले नहीं कर सकते थे। You may be saying, I am so weak. आप कह रहे होंगे कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ। But then God's love will strengthen you. लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको बलवंत करेगा। Here the Bible says, with all His love, He died for all of us. यहाँ बाइबल बताती है कि अपने पूरे प्रेम के साथ वो हमारे लिए मर गया। So Paul says. इसलिए पौलुस कहता है। As He died for all of us. जैसे वो हम सब के लिए मर गया। We who are living in this world should also say, I am not going to live for myself. हम में से हर एक को भी ये कहना है कि हम अपने लिए नहीं जिएंगे। I am going to live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीने वाला हूँ। Who gave himself for me. जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। Who sacrificed himself as a sweet aroma for me. जिसने अपने आप को मेरे लिए एक सुगंधदायी भव्य के रूप में बलिदान कर दिया। You will no longer live. अब आप नहीं जीते हैं। But Christ is going to live in you. लेकिन यीशु आप में जीने वाला है। You are not going to do everything by yourself anymore. अब आप जो है अपने द्वारा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। But with the help of God, you are going to do everything. लेकिन परमेश्वर की सहायता से आप सब कुछ करने वाले हैं। That's why Paul says. इसलिए पौलुस जो है कहता है। I can do all things. मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Through Christ who strengthens me. बस यीशु के द्वारा जो मुझे बल देता है। Jesus Christ is full of love. यीशु क्रिस्त प्रेम से परिपूर्ण है। He is full of love for us. वह हमारे लिए प्रेम से परिपूर्ण है प्रियो। In 1 Corinthians 13th chapter, the Bible says about love. पहला कुरंथी 13 में बाइबल जो है प्रेम के बारे में बताता है। Love is patient. लव जो है वो शांत है। Love is kind. वह दयावंत है। It always protects. वह हमेशा रक्षा करने वाला है। It always trusts. वह हमेशा विश्वास करता है। It always hopes. वह हमेशा आशा रखता है। It always perseveres. वह हमेशा धीरज धरता है। And the Bible goes on telling about love. और बाइबल जो है प्रेम के बारे में एक के बाद एक कई चीजें बताती है। It doesn't anger. वह क्रोध नहीं करता। Love bears all things. वो सारी बातों को सह लेता है। And today the Lord is going to pour this love upon you. और आज परमेश्वर से प्रेम को आपके ऊपर में उंडेलने वाला है। Even if you are going to ask or may not ask, the Lord is going to fill you forcefully with His love. चाहे आज आप मांगे या ना मांगे, लेकिन परमेश्वर जो है आज आपको पूरी तरह से भरने वाला है। When He was living in this world, He set the captive free. जब वो संसार में था, तो उसने हर एक बंदियों को आजाद किया। Even today He is doing it with all His love. आज भी वो अपने पूरे प्रेम के साथ यही कर रहा है प्रियो। It is with this love he gives sight to the blind. और इसी प्रेम के साथ वो अंधों को दृष्टि देता है। It is with this love he washed the feet of disciples.
ऐसी प्रेम के साथ उसने अपने चेलों के पांव को धोया। It is with his love Jesus wept for Lazarus. और इसी प्रेम के कारण से यीशु जो है लाजर के लिए रोया। It is with his love Jesus talked with the Samaritan woman. और यही प्रेम के कारण से वो जो है सामरी स्त्री से बात करता है। It is with his love he called the simple uneducated fisherman to ministry. इसी प्रेम के कारण से वो साधारण अब बिल्कुल अनपढ़ लोगों को जो कि मछुआरे थे सेवकाई के लिए बुलाता है। Our Lord Jesus Christ who did all this will he not do that for you dear friends? मेरे प्रिय मित्रों जिसने यीशु ने ये सब किया क्या वो आपके लिए कुछ ना करेगा? Today these miracles are going to happen. आज ये सारे चमत्कार होने जा रहे हैं। I'm not just narrating a story. मैं बस यहाँ एक कहानी नहीं बता रही हूँ। Whatever the Lord asked me to say, I'm saying. जो कुछ परमेश्वर ने मुझे कहने के लिए कहा मैं वही बता रही हूँ। The Lord said, I'm going to do mighty miracles today. परमेश्वर ने कहा आज मैं महान सामर्थ्य कार्य करूँगा, चमत्कार करूँगा। The deaf ears will open. जो कान बहरे हैं वो खुल जाएंगे। Blind will see. अंधे जो है देखेंगे। Sick people will be healed. रोगी जो है चंगे होंगे। Today the Lord will touch you. आज की रात परमेश्वर आपको छुएगा। He does this in a most tender manner. और वो ये सब जो है बड़े ही हलीमी के साथ करता है प्रियो। Our Lord Jesus Christ is a perfect gentleman. हमारा प्रभु यीशु जो है एक परफेक्ट जेंटलमैन है, भद्र व्यक्ति है। He loves us with a loving, tender care. और वो हमसे जो प्रेम करता है वो बड़े ही कोमलता के साथ प्रेम करता है। When I got newly married, जब मेरी शादी की हुई थी और हाल-हाल में हमारी शादी शुरू हुई, my husband took me to a hospital for a general checkup. तो मेरे जो पति हैं मुझे अस्पताल में एक सामान्य जांच के लिए लेकर के गए। He took a very good care of me. उन्हें मेरी बहुत ही अच्छे से देखभाल की। There, the doctor he called us to his room and he checked my BP. वहाँ डॉक्टर ने जो है हमको अपने कमरे में बुलाया और मेरा बीपी चेक किया। He brought the instrument and he tied it over me and he began to check me. उन्हें यंत्र निकाला, उसे मेरे ऊपर में लपेटा और वो मुझे जांचने लगे। But then he could not hear any sound of the machine. लेकिन वो मशीन से कोई भी आवाज नहीं सुन पाए। And so he made me lie down and then again he put the BP machine upon me and checked it again. इसलिए उन्होंने मुझे लिटा दिया और फिर से वो BP की मशीन लगाया और मुझे जांचने लगे। Even after that he could not hear anything. उसके बाद भी वो जो है कुछ भी नहीं सुना। So he made me stand. इसलिए उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। You better stand. और तुम खड़े हो जाओ। Let me check your BP. चलो मैं तुम्हारा BP ठीक चेक करूं। After that when he checked it he could hear only a very low sound. और उसके बाद जब उन्हें जांचा तो बहुत ही कम आवाज को सुन पाए। And he said to my husband, और उन्हें मेरे पति से कहा, What is this? ये क्या है? Do your wife have a heart? क्या तुम्हारे पत्नी के कोई हृदय है भी या नहीं? I could hardly listen to her heart. मैं मुश्किल से उनके दिल की धड़कन सुन पा रहा था। I have a doubt whether she has a heart or not. मुझे तो ये चिंता हो रही है, शक कि उनके पास हृदय है भी या नहीं। She has a very feeble heart. उनका जो हृदय है बहुत ही कमजोर है। So he said to my husband. इसलिए उन्होंने मेरे पति से कहा, Paul, you better take a tender care of your wife. इसलिए बेहतर है कि पॉलस कि तुम अपने पत्नी की अच्छी देखभाल करो। Allow her with tender और बड़े प्रेम के साथ, बड़े धीरज के साथ उनसे आप उनकी देखभाल करो। Until today he is doing that for me. और आज भी वो मेरे लिए वही कर रहे हैं। His love for me is so much. उनका प्रेम जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। When I lost my mother in 1989, just after I got married. मेरे विवाह के बाद में ही, जब 1989 में मैंने अपनी माँ को खो दिया। And my mother passed away after 6 months of my marriage. और मेरे विवाह के 6 महीने के बाद मेरी माँ गुजर गई। I was thoroughly broken. तो मैं बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई थी। Because I loved her very much. क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम करती थी। She was the one who prayed for my blessing. वही थी जो मेरी आशीषों के लिए प्रार्थना करती थी। And on that night I cried and said to my husband.
और उस रात मैं रो करके अपने पति से कहने लगी, How am I going to live without my mother? मेरी माँ के बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? I said, everything seems so dark. मैंने कहा ऐसा लगता है सब कुछ बिल्कुल अंधियारा हो गया। How am I going to face my future? मैं अपने भविष्य का सामना कैसे करूंगी? I could not sleep that night. उस रात मैं सो नहीं पाई। I could not eat. मैं खा नहीं पाई। But then my husband prayed over me and said. तब मेरे पति ने मेरे ऊपर प्रार्थना करके कहा, Evangeline, don't cry. Evangeline, मत रो। We are here for you. हम तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारे लिए। I am here to love you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। And he said. और उसने कहा, From now on, you should not cry. अब से तुम्हें रोना नहीं है। The Lord has taken away your mother to make you as a mother. परमेश्वर ने तुम्हारी माँ को उठा लिया ताकि तुम एक माँ की तरह बन जाओ। The Lord is placing you in the place of your mother. परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी माँ के स्थान पर रख रहा है। You are going to comfort a family. तुम एक परिवार को ढाढ़स और शांति दोगी। Not only that, you are going to comfort the whole world. लेकिन इतना ही नहीं, तुम पूरे संसार को ढाढ़स और शांति दोगी। Those words really strengthened me. उन शब्दों ने सचमुच मुझे बल दिया। I rose up from my worries. मैं अपने हर एक चिंताओं से ऊपर उठी। And I began to work for the Lord. और मैं प्रभु के लिए कार्य करने लगी। And till today, the Lord is using me as a mother to thousands and thousands of people. और आज भी परमेश्वर जब मुझे हजारों हजार लोगों के लिए एक माँ की तरह काम में ला रहा है। I took my husband's word as God's word. मैंने अपने पति के वचन को अपने परमेश्वर के वचन के रूप में लिया। And after that, the Lord started to bless me with children. उसके बाद परमेश्वर जो है मुझे संतानों के साथ आशीष देने लगे। In the place of one person, एक व्यक्ति के बदले पे, the Lord given me thousands of people to love me. आज परमेश्वर ने मुझे हजार लोग दिए हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। I have so many mothers in this world to love me as a mother. आज इस संसार में अनेक माताएं हैं जो मेरे लिए मुझसे माँ की तरह प्रेम करती हैं। Christ's love compels us, dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का प्रेम हमें मजबूर करता है। In Song of Songs, chapter 2 and 4th verse says. जो श्रेष्ठ गीत है उसमें चार वचन में कहता है, His banner over me is love. कि उसका जो झंडा मेरे ऊपर है उसका प्रेम है। God's banner over me is love. परमेश्वर का झंडा मेरे ऊपर उसका प्रेम है। Though it is a poetic love song between Solomon and his wife Shulamite. जो भी ये जो था उस सुलेमान उसकी पत्नी के बीच में एक प्रेम गीत था। Shulamite sang the song saying, My husband Solomon puts a banner over me. वहाँ शुलेमाइट जो है कहती है कि मेरा पति सुलेमान जो है मेरे ऊपर एक झंडा लहराता है। His banner over me is love. उसका जो झंडा है मेरे ऊपर वह प्रेम का झंडा है। But then this applies to God's love also. लेकिन ये जो है उस परमेश्वर के प्रेम के लिए भी लागू होता है प्रियो। The Bible says in Psalm 60 and 4. भजन संहिता 60 और 4 में बाइबल जो है कहती है। Psalmist says, For those who fear you, O Lord. भजनकार कहता प्रभु जो आपका भय मानते हैं। You have raised a banner to be unfurled against the bow. आपने एक झंडा खड़ा किया है उनके लिए जो उनके ऊपर धनुष ताने रहते हैं। He is raising a banner over every one of you. वो आप से हर एक के ऊपर में एक झंडा लहराता है। Always remember that the Lord is holding a banner over you saying, I love you. याद रखिए परमेश्वर जो हमेशा आपके ऊपर में एक झंडे को लहराता कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Normally the world unfurls a flag for the leaders of this nation. अक्सर जो है संसार के जो नेता हैं उनके लिए जो है एक झंडा लहराया जाता है। They'll hold a flag and they'll go behind the leaders. वो एक अगुवे के पीछे में एक झंडा लेकर के चलते हैं। If someone loves some people, अगर कोई किन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं, they'll be holding a flag and going before them. वो उनके आगे जो है एक झंडा लेकर के चलते हैं. But God's love is more than that. लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है कहीं उससे ज़्यादा है. God's banner is always flying over you, dear friends.
मेरे प्रियो, परमेश्वर का झंडा हमेशा आपके ऊपर में लहरा रहा है। Christ's love compels us. परमेश्वर का प्रेम, ईश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। What does the word compel means? इस विवश करने का अर्थ क्या होता है प्रियो? It forces someone to do something. वह किसी को कुछ कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। It overpowers us to accomplish things. हमें कुछ काम करने के लिए वो बाध्य कर देता है, हमें नियंत्रित करता है, हम पर हावी होता है। It moves a person. एक व्यक्ति को वो जो है प्रेरित करता है। And we are carried along with the love. और हम परमेश्वर के उस प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं। After I lost my mother and father and my brother. जब मैंने अपने पिता, अपनी माता और अपने भाई को खो दिया उसके बाद, The Lord did not leave me to sit and cry. तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि मैं बैठ करके बस रोती रहूं। He was going on blessing me. वो मुझे आशीष देता रहा। He compensated every one of my loss. उन्हें मेरे एक-एक जो कुछ मैंने खोया था उसे पूरा किया। And only after that he started to use me in the ministry. और उसके बाद ही वो मुझे अपनी सेवकाई के लिए काम में लाने लगे। He satisfied me with his blessings. अपनी आशीषों से उन्होंने मुझे तृप्त किया प्रियो। And then started to use me. उसके बाद उन्होंने मुझे उसके बाद सेवा में काम लाना शुरू किया। And through me today millions are blessed. और आज मेरे द्वारा से लाखों जो हैं आशीषित हो रहे हैं। This I say for the glory of God. ये सब मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कह रही हूँ। Now I want to pray for you. अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहूंगा। Touch them, Lord. उन्हें छूने प्रभु जी। Let your hand come upon them, Lord. आपका हाथ उनके ऊपर आ जाए प्रभु जी। Let them be healed. वे चंगे हो जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Get ready to be filled. ओ पात्मा से भरने के लिए तैयार हो जाइए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord is empowering you tonight. प्रभु आज आपको बलवंत कर रहा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यीशु धन्यवाद। यीशु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इन योर वीकनेस गॉड्स स्ट्रेंथ विल बी परफेक्ट। आपकी कमजोरी में ईश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होगी। ही इज स्ट्रेंथनिंग यू राइट नाउ। वो अभी आपको बलवंत कर रहा है। यू इवर स्पिरिट। ओ दुष्टात्मा। टेकिंग अवे देयर जॉय। जो उनके आनंद को हर रहे हैं। Leave them right now. आप उन्हें अभी छोड़ दो। You evil spirit who is putting fear in their hearts. जो दुष्टात्मा उनके हृदयों में भय ला रही है। Leave in Jesus name. यीशु के नाम से उन्हें छोड़कर चले जाओ। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। For delivering your people. अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। From now on things are going to be different. अब से लेकर के चीजें बिल्कुल फर्क होंगी प्रियो। The Lord is changing your lives. परमेश्वर आपके जीवनों को बदल रहा है। From poverty to prosperity. हर एक गरीबी से अब संपन्नता में जा रहा है। धन्यवाद प्रभु जी। Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु। Bless them Lord. उन्हें आशीष दे पिता। Bless your people Lord. अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी। There should be no lacking in their lives. उनके जीवन में कोई घटी ना हो आप। Give them a job. आप उन्हें एक नौकरी दें। Give them a home. उन्हें एक घर दें। Give them a life partner. उन्हें एक जीवन साथी दें। Give them a child. उन्हें एक संतान दें। Bless them Lord. उन्हें आशीष दे प्रभु। Bless them today. आज उन्हें आशीष दे। Let them receive your abundance. आपकी भरपूरी को पाएं। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Shall we all believe God and give glory to God? आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करके सारी महिमा उसे दें। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। You are receiving God's blessings. आप परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं प्रियो। The Lord is touching the uteruses of young sisters. जवान बहनों के गर्भ को परमेश्वर छू रहे हैं। Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु जी। The Lord's healing power is coming upon you. प्रभु की चंगाई की सामर्थ्य आप पर उतर रही है। Touch them and heal them Lord. ओ प्रभु ने छूकर के चंगा करे। Let every eye see. हर एक आंख देखने लगे। Let every blind eye open in Jesus name. यीशु के नाम से हर एक अंधी आंख खुल जाए। Let every ear hear in Jesus name. यीशु के नाम से हर एक कान सुनने लगे। Touch them Lord. प्रभु ने छूले। Touch them Lord. उन्हें छूले प्रभु जी। I sprinkle your blood upon them Lord. मैं आपके लहू को उन पर छिड़कती हूँ प्रभु जी। Hallelujah. 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 Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। Touch the sick people. Let them be healed. रोगियों को छूले वो चंगे हो जाए। Every sickness be healed. हर एक रोग जो है ठीक हो जाए। Be healed.
चंगे हो जा। Every captive set, be set free. हर एक जो बंधन में है वो आजाद हो जाए, बंदी लोग। Jesus name. यीशु के नाम में। Touch them, Lord. उन्हें छूले प्रभु जी। Touch them, Lord. छूले प्रभु जी। And heal them, Master. और उन्हें आप प्रभु जी चंगाई दे। Heal them, Lord. उन्हें चंगाई दे प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद पिताजी। For granting all their heart's desires. ओके हृदय की एक-एक इच्छा को पूरी करने के लिए धन्यवाद। Lord, touch their bones and heal them. प्रभु जी उनके हड्डियों को छू करके चंगाई कर दे। Let every weak bone receive your strength. उन्हें दे कि हर एक हड्डी अभी आपके ताकत को पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let every weakness leave their body. हर एक कमजोरी उनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी। Continue to do miracle. प्रभु जी आप अपने चमत्कारों को करते रहे। Come on, give glory to God. चलिए परमेश्वर को तालियों के साथ महिमा दीजिए। प्रभु को महिमा दीजिए प्रियो। Thank you, Jesus. यीशु धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।